समुद्र शास्त्र के अनुसार मनुष्य के शरीर का हर अंग उसके स्वभाव के बारे में कुछ न कुछ जरूर बताता है। यानी अगर किसी मनुष्य के शरीर पर पूरी तरीके से गौर किया जाए तो उसके चरित्र के बारे में काफी कुछ आसानी से जाना जा सकता है। समुद्र शास्त्र के अंतर्गत आज हम आपको बता रहे हैं कैसे बाल वाले व्यक्ति का चरित्र कैसा होता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के सिर में एक रोम कूप में एक बाल होना भी शुभ होता है। ऐसे बाल ही उत्तम होते हैं, लेकिन यदि एक बाल से कई शाखाएं निकली हों तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहता है। ऐसे लोग दो विचारधाराओं के मध्य उलझे रहते हैं, किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पाते, जिससे उन्हें सफलता नहीं मिलती। जिस इंसान के बाल काले होते हैं वो मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ, कर्मठ, विश्वास करने योग्य और उच्च जीवन शक्ति वाले होते हैं। और जिस इंसान के बाल कम उम्र में ही सफेद हो जाते हैं वे लोग मानसिक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। जिनके बाल पतले होते हैं उनका स्वभाव उत्तम होता है। वे व्यक्ति उदार, प्रेमी, दयालु, संकोची और संवेदनशील भी होते हैं। इसके विपरीत मोटे एवं काले बालों वाले लोगों में उत्तम स्वास्थ्य और उच्च जीवन शक्ति होती है। सरल सीधे बाल आत्म संरक्षण, सरल स्वभाव, सीधी कार्यप्रणाली एवं स्पष्टवादिता के सूचक हैं। यदि बालों में सरलता की अपेक्षा लहरीलापन हो तो ऐसे व्यक्ति विनम्र, सभ्य, कला प्रेमी, सच्चा मित्र एवं दयालु होता है। काले, चिकने, मुलायम, आकर्षण और सरल बाल स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, जबकि पीले, लाल, कर्कश, रूखे, छोटे और बिखरे बाल वाली स्त्रियां सदैव दुखी रहती हैं। घने बाल वाले लोग विद्या प्रेमी होते हैं। जिस व्यक्ति के सिर पर एकदम बाल कम होते हैं वे संपत्तिवान या बिल्कुल दरिद्र होते हैं।